चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। हाय मेरी बेटी जुग जुग जियो, कितने दिनों के बाद तुम्हारा शक्ल देखा, चल अंदर चल। माँ मैं यहाँ पे पूरा एक महीना रहने वाली हूँ। हाँ अरे पूछ क्यों रही है बेटी, तेरा ही घर है। आप पापा दिनेश कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे पता है, पर आपकी फॉरेनर बहू। वो क्यों कुछ बोलेगी, वैसे डायना एक अच्छी लड़की है, भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती पर वो हर काम में पूरा परफेक्ट है, उस पे कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, ऊपर से एकदम साफ दिल की है। हाँ हाँ इतना प्यार। तभी डायना आकर पहुंच गई अपनी ननन से मिलने। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, तुम शायद डायना हो, शादी तो तुम लोग छुपके कर लिए, एक बार भी हमारे साथ व्हाट्सएप में वीडियो कॉल नहीं किए। खैर हमारा तो रेस्पेक्ट ही नहीं रहा इस घर में, जान पहचान अब कहाँ से होगी किसके साथ। अहा आपका लगेज देख के लग रहा है बहुत दिनों के लिए रहने आए हैं यहाँ पर, फिर जान पहचान तो हो जाएगी दीदी। देखा माँ, मैं बोल रही थी ना, आपकी फॉरेनर बहू मेरे आने से बिल्कुल खुश नहीं है। हाँ उसने ऐसा कब बोला, तू बात का बतंगड़ बना रही है, तू इतना ताना मारेगी तो वो क्या छोड़ देगी, अब चल फ्रेश हो जा। हाँ हाँ मैं सब समझ गई, मुझे लगा था माँ को डायना के खिलाफ भड़का के इस घर से निकालना मेरा बाएं हाथ का खेल होगा, पर नहीं ये बहुत चालू निकली चालू। पर तुम भी तो कम चालू नहीं, अपना किचन पॉलिटिक्स अब शुरू कर दो। हाँ हाँ किचन पॉलिटिक्स तो अभी से शुरू होगी। वाह माँ वाह, आपके हाथ की खीर का तो मजा ही कुछ और है, खुशबू से ही पता चल जाता है कि आप बनाए हैं। हाँ बस बेटी और बटर मत लगाओ अपने माँ को, ये खीर तुम्हारी भाभी डायना ने बनाई है। है? ओ अच्छा, तभी मैं सोचूं खीर इतना पतला क्यों बना है। दीदी वैसे चीज है, खीर ठंडा होने पर थोड़ा जम जाता है, अभी बहुत गर्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि खीर क्यों पतला बना है। सुनीता अपना खेल शुरू करते ही उसे रेड कार्ड दिखा दिया गया, पर वो तो संध्या की बेटी थी, इतनी आसान से हार थोड़ी मान लेती। माँ देखा आपने? क्या? वो फॉरेनर आपके रसोई को अपना बना चुकी है, अब पापा भी उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। कुछ करो माँ, नहीं तो सब कुछ खो दोगी। हाँ हाँ माँ, ये फॉरेनर बहुत चालू होते हैं चालू, शुरू शुरू में ऐसे ही सबको अपना बनाएंगे, फिर सब कुछ लूट लेंगे। अंग्रेजों का तो आपको पता ही है क्या हुआ था हमारे भारत के साथ, अभी से होशियारी दिखाना बहुत जरूरी है। हाँ बेटी मैं तो भूल ही गई थी, ये फॉरेनर तो सब पे अपना जादू चला रही है, तू रुक कल सुबह मैं देखती हूँ उसे। डायना डायना। क्या हुआ सासु मॉम? आज मैं खाना बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, सारे उसके मन पसंद के पकवान। ओहो सासु मॉम, आपको रसोई में जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी आपको नी पेन रहता है, मुझे बोलिए क्या क्या बनाना है, मैं सब कुछ बना दूंगी।
देखा माँ, मैं बोली थी ना, वो आपको अंदर घुसने ही नहीं देगी। हाँ, तू सही बोल रही थी सुनीता। इस बार सुनीता अपने माँ को बेहला फुसला कर अपने तरफ कर दी। अब बारी थी दिनेश की। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। दीदी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या बताऊं दिनेश, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने को ना, मैं नहीं बोल सकती। अरे बोलो ना दीदी। क्या बताऊं, तेरी बीवी तो माँ का ध्यान ही नहीं रखती और तू है कि उसे कुछ बोलता ही नहीं। क्यों, क्या हुआ दीदी? तुझे तो पता है माँ के घुटनों में कितना दर्द होता है और उसी में ही उन्हें घर का सारा काम करने बोल रही है। और तो और बोल रही थी तुम्हारी बेटी आई है, तुम ही खाना बनाओ। अगर मेरे रहने से इतनी तकलीफ होती है तो मुझे बता दो, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं डायना ऐसी नहीं है, वो ऐसे बोल ही नहीं सकती। हाँ मुझ पे क्यों भरोसा करेगा, जा माँ से ही पूछ ले। फिर दिनेश चला गया अपनी माँ के पास और माँ बेटी पहले से मिलके प्लान बना के रखे थे। माँ माँ, क्या डायना आपको घर का सारा काम करने बोलती है? हाँ बेटा, अब घर की बात क्या बताऊं, जाने दे। माँ मैं आज ही डायना से बात करूंगा इस बारे में। What happened? You look upset. तुम माँ से घर का सारा काम करवाती हो? What? Who told you? सासु मॉम? That doesn't matter. पर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? Dinesh, how could you trust them? सुनीता ऐसे रोज रोज कुछ ना कुछ बोल के दिनेश और डायना के बीच में झगड़ा करवा रही थी। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझकर लव मैरिज करने वाले कपल भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग से परेशान हो गए थे। और उधर देखा माँ, मैंने अपना कमाल दिखा दिया। तू मेरे पे ही गई है। अच्छा सुन, अब दिनेश उस फॉरेनर को छोड़ देगा ना? हाँ माँ बिल्कुल छोड़ देगा, रोज रोज ऐसे झगड़े कौन बर्दाश्त करेगा। अगर दिनेश नहीं छोड़ा तो वो फॉरेनर पक्का छोड़ के चली जाएगी, उनके वहाँ पे डिवोर्स बहुत चलता है, कॉमन है ना। सुनीता अपना काम कर चुकी थी, पहले माँ को डायना के खिलाफ भड़का के अपने तरफ कर दी और अब माँ को हथियार बना के भैया भाभी के घर तोड़ रही थी। संध्या इस बात से खुश थी कि उसका बेटा जल्द ही फॉरनर बहू को छोड़ देगा। डायना अब मुझसे नहीं हो रहा, पहले तो हमारे बीच ऐसे कभी नहीं हुआ, पर अब तुम बार बार गलतियां करके हमारे बीच डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हो। सो यू थिंक मैं झगड़ा करती हूँ? ओके फाइन, मैं अमेरिका चली जाऊंगी, रहो तुम खुशी से अपने माँ और बहन के साथ। नहीं डायना, जब हम अमेरिका में एक साथ रहते थे कभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसीलिए तुम अकेले नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। दिनेश डायना को लेकर अमेरिका वापस चले जाने को सोचा। हाँ, ये हुई ना बात। माँ माँ। हाँ बेटा। अब दिन ब दिन इस घर में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके वापस अमेरिका चला जाऊंगा। क्या? नहीं बेटा ऐसे मत बोल, तू तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ माँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं टिकट करके आपको डेट बोलता हूँ। संध्या तो सोची थी बेटा बहू को छोड़ देगा, पर ये क्या, बेटा तो घर छोड़ रहा है। फिर संध्या गुस्सा होकर अपनी बेटी सुनीता के पास जाती है। मेरी पत्नी बहुत होशियार है, अब तो सारी प्रॉपर्टी हमारी ही होगी। देखा मैंने बोला था ना, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर माँ को उस डायना के खिलाफ भड़काना, फिर दिनेश और डायना के बीच झगड़ा करवाना इतना आसान नहीं था। पर अब वो दोनों जल्द ही अमेरिका चले जाएंगे,
फिर तो मुझे दिनेश के खिलाफ माँ को भड़का के ये प्रॉपर्टी हथियाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब संध्या को सच समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बेटी सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए घर में ऐसे आग लगा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन, देखा माँ, अब तक चाय भी नहीं मिली मुझे। इस घर में तो मेरा रेस्पेक्ट ही नहीं रहा। रुक, मैं अभी देखती हूँ। डायना, डायना। जी सासु मॉम। आ, मेरे पास बैठ। क्या हुआ सासु मॉम? तुझे पता है, सुनीता बहुत अच्छा चाय नाश्ता बनाती है और उसके हाथ का खाना तो लाजवाब है। हाँ, वो तो है ही। बहुत बढ़िया। अब जा, आज से जितने दिनों तक तू यहाँ पे रहेगी, सबके लिए खाना तू ही बनाएगी। माँ। हाँ सुनीता, मैंने डिसाइड कर लिया है, आज से तेरे ही हाथ से खाना खाऊंगी मैं। और ऊपर से डायना और दिनेश तो जल्द ही अमेरिका चले जाएंगे। जा, अब लग जा काम पे। फिर सुनीता को माँ को खुश करने के लिए एक्टिंग करके घर का सारा काम करना पड़ा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन सुबह, दीदी, सासु मॉम तो बोल रहे थे आप बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, पर चाय इतनी फीकी क्यों है? मीठा फीका तो बनता ही रहता है। वैसे डायना, मैं क्या बोल रही थी, तुझे जो अनाथ आश्रम से बात करने भेजी थी उसका क्या हुआ? अनाथ आश्रम? हाँ बेटी, अब बेटा बहू तो अमेरिका चले जाएंगे, हमारे इतने सारे प्रॉपर्टी का क्या होगा? सोच रही हूँ मरने से पहले कुछ धर्म का काम कर जाऊं, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को ही दे दूंगी, फिर मैं सुकून से मर सकती हूँ। क्या? अब सुनीता की चालाकी में पानी फिर गया था। बेचारी क्या करने आई थी, पर उसके साथ क्या हो गया? फिर अगले दिन सुबह, अरे सुनीता, आज अभी तक नाश्ता नहीं बनाई। माँ, इनका कॉल आया था, उन्हें मेरी याद आ रही है, इसीलिए मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। पर बेटी, और थोड़े दिन रुक जाती। नहीं माँ, बस मैं जा रही हूँ। डायना, दिनेश, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बीच ये रोज रोज का झगड़ा सुनीता ही करवाती थी। शुक्र है मुझे उसका गंदा इरादा पता चल गया। हाँ माँ, हमें दीदी की चालाकी पहले ही समझ आ गई थी, इसीलिए आपको सच्चाई दिखाने हमें कुछ दिनों तक नाटक करना पड़ा। और डायना, थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना अच्छा प्लान जो बनाया दीदी को यहाँ से भगाने के लिए। उफ, ये गर्मी मुझसे यहाँ पे चला नहीं जा रहा है अब। है गर्मी में इनसे अब चला नहीं जा रहा है, असली बात तो ये है कि इतना ऊंचा सैंडल कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी, आज इसे पहन के गिरते पड़ते चल के आ रही है। ओहो, कहीं से जलने की बू आ रही है। क्यों संध्या, मेरा नया ड्रेस, मेरी हाई हील्स, ये सब देख के तुझे जलन हो रही है ना? हाँ, ये बात तो अब ऐसी हो गई कि राखी सावंत को देख के रानी मुखर्जी जलने लगी है। अरे, तुम एक दूसरे को ताना मारना बंद करोगे? तू साड़ी पहनना छोड़ के ये ड्रेस और ये हाई हील्स, सच कहूँ तो बड़ी अजीब लग रही है। हाँ हाँ, हर नया चीज पहले पहले अजीब ही लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है। वैसे तुझे तो पता है मैं कितनी अकलमंद हूँ। तू अकलमंद नहीं, मंद अकल है। अच्छा बोल, ये कपड़े किसने दिए तुझे? मैं ये ड्रेस और जूते ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, फिर जब डिलीवरी देने लड़का आया तब मैं छुप गई। वो बेल मारता रहा और मैं छुप के देखती रही।
फिर वो दरवाजे के पास डिलीवरी का पैकेट छोड़ के चला गया। फिर क्या, मैं उस पैकेट पे झपट पड़ी और अंदर अलमीरा में छुपा दी। फिर मेरी बहू तारा के सामने नाटक करके बोली, मुझे तो कोई डिलीवरी आया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पैसे कैसे वापस आएंगे। और उसने कुछ फोन वोन किया, उन्हें कस के गाली दी। हाँ, और वो लोग फटाफट मेरे पैसे वापस कर दिए। अब पैसा का पैसा आ गया और ये ड्रेस के साथ सैंडल भी फ्री में मिल गई। हाँ, पर तुझे कोई पकड़ लेगा तो? अरे तू पागल है, उनकी ये बड़ी कंपनी है, वहां से एक ठो दो ठो ठग लेने से कोई थोड़ी आएगा चोरी का सामान ढूंढते हुए। इससे कहते हैं असली चालाकी। हाँ, मालती की ये चालाकी संध्या को बड़ी पसंद आई। अब मालती ऐसे मॉडर्न बन जाएगी और संध्या पीछे रह जाएगी, ये तो उसे बर्दाश्त होना ही नहीं था। फिर कुछ दिन के बाद, कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लोलिता, और कभी जैसे कादम्बरी, हाय मैं हूँ परम 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 सुंदरी, हाय मैं हूँ परम 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 सुंदरी। सासू मॉम, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? क्यों क्यों, बस खुश लग रही हूँ, स्मार्ट नहीं लग रही। हाँ हाँ, बिल्कुल लग रहे हैं। You are looking very smart. वैसे ये new dress is looking very nice on you. लगता है बहुत महंगा है। हाँ, वैसे मुझ पे तो हर एक कपड़ा मस्त दिखता है, मस्त। पर इस ड्रेस में कुछ अलग ही मजा है। हाँ, मैं समझी नहीं सासू मॉम। क्यों, बस फॉरेनर ही स्मार्ट बन सकते हैं, मैं नहीं बन सकती क्या? आ बैठ, मैं तुझे स्मार्ट होने का राज समझाती हूँ। ओके। तू हमेशा तेरे कपड़े, जूते, बैग ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती है ना? मैं भी तेरी तरह ऑनलाइन 3-3 ड्रेस ऑर्डर कर दी, साथ में ये काला चश्मा भी, ब्रांडेड है। हाँ। ओह अच्छा, दैट्स नाइस। अरे पूरी बात तो सुन ले, जब डिलीवरी बॉय आया तो मैं उससे पैकेट रख ली और मोबाइल एप्लीकेशन में रिटर्न रिक्वेस्ट कर दी। फिर उसमें लिख दिया कि सारे पुराने ड्रेस मिले हैं मुझे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, उस पैकेट में मैंने तुम्हारे पुराने 3 ड्रेस डाल के रिटर्न कर दी, साथ में नाटक करके उस डिलीवरी बॉय को खूब गाली भी की, ताकि उसे लगे मैं सच बोल रही हूँ। अब बोल, मैं स्मार्ट हूँ या नहीं? सासू मॉम, दिस इज रॉन्ग। क्या रांग रांग बोल रही है? आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके अकाउंट को वो ट्रेस करेंगे तो? अरे पगली, मैं थोड़ी ना मेरे अकाउंट से की हूँ, मैं तो बाबूजी के अकाउंट से की हूँ। हाँ। ओहो सासू मॉम, आप समझते क्यों नहीं, ये चीटिंग है, आगे से प्लीज ऐसे मत करना। चुप कर, ये फॉरेनर मुझे समझाएगी क्या गलत है क्या सही, दुनिया भर के लोग करते हैं। मालती को उसकी बहू तारा मदद कर रही है करने, और मेरी बहू रांग रांग बोलते जा रही है। सासू मॉम की ये दो नंबरी काम देख के डायना बहुत गुस्सा हो गई, और वो जितना भी समझाने की कोशिश की, संध्या उतनी ही गाली देने लगी। फिर एक हफ्ते बाद, आहाहाहा, क्या टेस्टी बना है, लगता है रसोईया तो चुन चुन के मटन डाला है इसमें, वाह भाई वाह, मजा आ गया। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस मैडम, आई कैन हियर यू, प्लीज बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? चुप कर नालायक, खाक मदद करेगा, मैंने आज मटन बिरयानी ऑर्डर किया था तेरे टमाटो ऐप से, पूरा बिरयानी खत्म कर ली, पर मटन तो छोड़ एक हड्डी भी नहीं मिला मुझे। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी मैम, पर ऐसे तो कभी। मुझे क्या पता कैसे हुआ, मैं थोड़ी खा के सब झूठ बोल रही हूँ, तेरे रसोईया से जाकर पूछ,
उसने मटन क्यों नहीं डाला, या फिर तेरे डाली भरी बाय से पूछ, उसने खा लिया होगा। सॉरी मैम। तेरा सॉरी तेरे पास रख, अभी के अभी मेरा पैसा लौटा। ओके मैडम, मैं अभी रिफंड करता हूँ, आप प्लीज गुस्सा मत हुई, मैं अभी आपके एड्रेस में एक फ्रेश मटन बिरयानी भी पार्सल भेजता हूँ। हैं? गुड गुड, स्मार्ट तो मैं थी ही, अब तो इंटेलिजेंट भी बन गई है। सासू मॉम आ गई फारेनर, अब फिर से रंग रंग बोलेगी। व्हाट इज दिस, आपने फिर से चीटिंग किया, वेरी बैड सासू मॉम, प्लीज डोंट डू इट। मेरे स्मार्ट बनने से तुझे जलन हो रही है ना? हाँ मैं सब समझती हूँ। सासू मॉम प्लीज ऐसे मत करो, दूसरे को धोखा देने से हो सकता है कल आपके साथ कोई बड़ा वाला धोखा हो जाए। दुनियादारी करते करते मेरे बाल पक गए हैं, समझी, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। चल जा यहाँ से, मेरा स्पेशल मटन बिरयानी का दूसरा पैकेट आ रहा होगा, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ संध्या ऐसे धोखेबाजी करके बहुत खुश थी, खुद को बड़ी चतुर और मॉडर्न समझने लगी थी। डायना के बार बार मना करने के बाद भी संध्या उसकी एक ना सुनती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये सब तो कुछ भी नहीं, अब देखो ये स्मार्ट संध्या क्या क्या करने वाली है। संध्या को ऑनलाइन फ्रॉड करके जो ड्रेस, सैंडल और चश्मा मिल गया था, उसे पहनकर एक दिन वो मालती को दिखाने उसके घर निकल रही थी। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, मेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मेनू काला 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 काला। सासू मॉम What is this? You are looking so weird. हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत सुंदर दिख रही हूँ मैं। थैंक यू। ओके, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मालती खुद को बड़ी स्मार्ट समझती है, उसको मैं अपना ये नया जलवा दिखा के आती हूँ। हेलो, हु यू लेडी? हैं, ये कौन है? ये मालती का ही घर है ना? खा गई ना धोखा? क्यों संध्या, कैसी लगी मेरी न्यू हेयर स्टाइल? हाँ ठीक ठाक दिख रहा है, वैसे ये स्टाइल तू कहाँ से की? ब्यूटी पार्लर गई थी मैं, वो गांव की मालती बन के रहते रहते मैं बोर हो गई थी, अब तो मैं स्मार्ट और मॉडर्न दिख रही हूँ, है ना? ब्यूटी पार्लर? कहीं ये मेरे से ज्यादा मॉडर्न तो नहीं दिख रही है ना? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मुझे मेरे बालों का कुछ करना पड़ेगा अब, नहीं तो मालती मेरे से आगे निकलते ही जाएगी। सोच क्या रही है संध्या? नहीं कुछ भी तो नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना, रुक मैं हमारा नया एसी ऑन कर देती हूँ, ये ले। नया एसी? अरे बाप रे। अच्छा बोल क्या लेगी, ठंडा या गरम? वैसे गर्मी तो बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, मैं तेरे लिए हमारे नए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स लाती हूँ। नया फ्रिज? तू तो बोल रही थी कि तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया है। अच्छा वो पुरानी फ्रिज, उसे तो मैं ऑनलाइन सेल कर दी। हाँ और ये बड़ी वाली नई फ्रिज ले आई, क्यों है ना मस्त? हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है संध्या, हमारा नया प्लाज्मा टीवी तो देख के जा। हाँ, अच्छा टीवी,
नहीं नहीं किसी और दिन, मैं चलती हूँ। अरे माँ जी, संध्या आंटी चली गई, मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आई थी। कैसे पिएगी वो, जलन से मरे जा रही होगी। वैसे हमारा नया सामान देख के उसका पेट तो भर ही गया होगा। मजा आ गया। जितनी भी कोशिश कर लो पर ये मोटी मालती मेरे से दो कदम आगे निकल जाती है। पर इस बार और नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब मालती उसकी पुरानी फ्रिज बेच के एक ये बड़ी वाली नई फ्रिज ले आई, साथ में प्लाज्मा टीवी, नया एसी, वो तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट बनते जा रही है। संध्या मालती को देख के ऐसे जल रही थी कि अब वो भी अपने पुराने सामान बेच के नए सामान खरीदने का मन बना ली। ये सोफा भी काफी पुराना हो गया है, इसे भी बेच दूंगी। हाँ, सासू मॉम। अरे ये फॉरेनर हमेशा ठीक टाइम पे कैसे टपक पड़ती है। घर का सारा सामान यहाँ पे क्यों जमा किए हैं? अगर मैं इसे बोल दूंगी कि मैं सब ऑनलाइन बेच रही हूँ तो ये फॉरेनर मुझे कभी बेचने नहीं देगी। हाँ, अरे डायना, मैं ये सब सफाई करने निकाली हूँ, दो लोग आएंगे और अच्छे से चकाचक करके जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है। ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, कूलर सब पुराने हैं। ये फॉरेनर के बदले अगर मेरे बेटे ने हमारे यहाँ से किसी से शादी करता तो दहेज में ये सारे नए सामान मिल जाते। पर कोई चिंता नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ ना, घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं करूंगी। ये सब बेच दूंगी और पूरा चकाचक नया सामान लाऊंगी, जैसे मालती खरीदी है। हाँ, ये सब ऑनलाइन बेचने से ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये पुराना फ्रिज, इससे तो कोई 2000 में भी ना खरीदे, पर मैं इसे पूरे 10,000 में बेच रही हूँ। हाँ, ये लीजिए पूरे 50,000, गिन लीजिए सही से। हाँ हाँ एकदम गिन के रखूंगी, स्मार्ट जो हूँ मैं। इससे बोलते हैं फायदे का सौदा। मैं अभी जाकर बैंक में जमा कराती हूँ, फिर सबको बैंक पासबुक दिखा के ये साबित कर दूंगी कि मैं फॉरेनर से ज्यादा स्मार्ट हूँ। हाँ, ए बैंक वाला, ले सारे जमा कर दे मेरे अकाउंट में। मैडम प्लीज फॉर्म फिलअप करके ले आइए, फिर पैसे जमा हो जाएंगे। फॉर्म, ये ले तेरा फॉर्म और पूरे 50,000, जल्दी से जमा कर दे। हाँ ओके मैम। मैम ये सारे नोट्स नकली हैं। ए बैंक वाला, नोट्स नहीं, तेरा मशीन नकली होगा, ठीक से देख। नहीं मैम, मशीन एकदम ठीक है, आपके नोट्स डुप्लीकेट हैं। अच्छा ए बैंक वाला। देखिए मैडम, ये नोट्स एकदम नकली हैं और अगर आप नहीं माने तो हमें पुलिस बुलाना पड़ेगा। पुलिस? पुलिस आएगी तो मेरी सारी चोरी पकड़ी जाएगी, फिर तो मैं फॉरेनर को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी। अरे बैंक वाला बेटा, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है इतनी सी बात के लिए, मैं जा रही हूँ। हाँ सारी गलती हो गई। ये ऑनलाइन वाला तो मेरे से भी बड़ा चोर निकला, मेरा सारा सामान फोकट में ले लिया। बहू तुम सही बोल रही थी कि छोटे मोटे चोरी के बदले मेरे साथ एक दिन बड़ा धोखा हो जाएगा। क्या बात है सासू मॉम, मैं समझी नहीं। फिर संध्या डायना को पूरी बात बता दी। ठीक है सासू मॉम, अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। बाय द वे, वो चीटर्स लोगों का फुटेज
हमारी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं अभी पुलिस को कॉन्टेक्ट करके सारी वीडियो फुटेज शेयर कर दूंगी। देखना सासू मॉम, वो चोर जल्द ही पकड़े जाएंगे। हाँ, ये फॉरेनर तो सच में बहुत ही स्मार्ट है। थैंक यू, तुम लोगों का एक्टिंग बहुत अच्छा था। ये लो तुम्हारा एक्टिंग का पैसा। आज से हमारे घर के आसपास भी मत दिखना, नहीं तो मेरी सासू मॉम तुम्हें खूब पीटेंगे। ठीक है मैडम जी, आगे और भी कोई एक्टिंग करनी हो तो हमें जरूर याद करना। सच कहूं डायना तो तुमसे बड़ी स्मार्ट मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। मजा आ गया सच में, तुम ऐसी प्लानिंग करके माँ को सही रास्ते पर ले आई, वरना पता नहीं वो कब तक ऐसे ऑनलाइन सबके साथ चीटिंग करती रहती। इसलिए तो दिनेश, मुझे जैसे ही पता चला कि सासू मॉम घर के सारे सामान बेचने वाले हैं, मैंने दो आदमियों को पैसे देकर सासू मॉम से सारे सामान खरीद के उन्हें डुप्लीकेट नोट देने बोला था। पर डायना, अब हमारे घर के सामान कैसे वापस लाओगी? माँ को सच पता चल गया तो? ओहो, तुम चिंता मत करो, सासू मॉम को मैं समझा दूंगी कि मैं सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाल के पुलिस को दे दी और पुलिस को हमारा सारा सामान उन दो चीटर से मिल गया। सिंपल। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा सारा सामान वापस मिल गया हमें। पर बहू, वो दोनों चोरों का क्या हुआ? और क्या होगा सासू मॉम, ऑनलाइन फ्रॉड करने के केस में उन्हें कम से कम 2 साल के लिए जेल हो जाएगा। So sad. हाँ माँ, और साथ में पुलिस का दंडा भी अलग से। अरे बाप रे, 2 साल का जेल और पुलिस का दंडा भी। नहीं नहीं, मैं आज से कभी भी किसी को धोखा नहीं दूंगी। भगवान मुझे माफ कर दो। रोज रोज नए नए खाने, मुझे पता है सबसे वाह वाह सुनने के लिए रोज एक नया खाना बनता है हमारे घर में। पता नहीं कितना खर्चा करवाती है मेरे बेटे से। जब मैं घर चलाती थी तब राशन पानी के खर्चे के बाद भी बाकी पैसों में सारी खरीद लेती थी छुपके। पर अब वो दिन कहाँ रहे, अब तो इस फॉरेनर के हाथों में सारा पैसा रहता है, खूब उड़ाती रहती है। हाँ, संध्या को तो हमेशा उसकी बहू डायना से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, पर डायना के समझाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। डायना संध्या को घर के खर्चे के पूरा लिस्ट दिखाने के बाद भी संध्या को लगता था कि डायना दिनेश का पैसा चौपट कर लेती होगी, और संध्या हर तरह से डायना पे कड़ी नजर रखती थी ताकि घर का कंट्रोल उसके हाथ में रहे। एक शाम को जब डायना कुछ फ्रेश फ्रूट्स काट के खाने जा रही थी, बड़ी आई खाने वाली, तुझे पता है फ्रूट्स का भाव आसमान छू रहा है मार्केट में, और ये महारानी यहाँ पे प्लेट भर भर के खा रही है फ्रूट्स। हाँ सासू मॉम, मुझे पता है फ्रूट इज कॉस्टली, पर क्या हम फ्रूट्स खाना छोड़ दें? अब खाना ही है तो तेरे खुद के पैसों से खा। मेरे ही सामने मेरे बेटे का पैसा ऐसे हजम मत किया कर, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बढ़िया ही फ्रूट्स खाने वाली। पर सासू मॉम, संध्या की ऐसी हरकत देखने के बाद भी डायना ने कुछ नहीं कहा, और संध्या को लगा कि अब वो ऐसे करके घर का खर्चा कंट्रोल कर लेगी। फिर एक दिन, नो प्रॉब्लम, आप अपनी अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं आपको अभी के अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, आप पैसों की चिंता एकदम मत कीजिए। हैं? डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आज से सारा खर्चा देख लूंगी। अगर इन केस मैं ट्रांसफर नहीं कर पाई तो मेरे हस्बैंड दिनेश कर देंगे। हाँ? मैं रात दिन इस फॉरेनर पे नजर रख के घर के खर्चे में कंट्रोल कर रही हूँ, पर ये और किसी को पैसे बांट रही है,
और तो और बोल रही है मेरे पति दिनेश दे देंगे, जैसे दिनेश को उसने पढ़ा लिखा कर नौकरी लगवाई हो। डायना को फोन पे पैसे ट्रांसफर करने की बात सुनकर संध्या का दिमाग खराब हो जाता है और पूरा दिन वो इसी बारे में सोचती रहती है। फिर कुछ ही देर में डायना उसके सास के लिए ग्रीन सलाड्स लेकर पहुंचती है। आ गई फॉरेनर, पता नहीं क्या लेके आ रही है, कितना पैसा खर्चा की होगी उसमें। सासू मॉम, ये लीजिए, आपके लिए मैं ग्रीन सलाड्स बनाई हूँ, आपके शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चुप कर, घर का खर्चा तेरे वजह से बढ़ गया है, कभी ये कभी वो, रोज नए नए ड्रामे, और ऊपर से मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई को बाहर भी बांट रही है अब। क्या बात है सासू मॉम, आप इतना गुस्सा क्यों है? तेरे वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़े जा रहा है, पता नहीं किस किस को पैसे दे रही है। संध्या डायना को फोन पे की हुई बातों के बारे में कुछ भी नहीं पूछी और डायना के ऊपर अपना जासूसी शुरू कर दी। बहुत पैसा उड़ाती है ये फॉरेनर, पहले इसका कच्चा चीठा निकालना पड़ेगा और फिर घर पे सबको डायना का खर्चा दिखाकर उससे नीचा दिखाने में मजा आ जाएगा। हाँ, तब से संध्या डायना पे कड़ी नजर रखने लगी थी। मैं आपको पैसे अभी ट्रांसफर की हूँ, साथ में एक्स्ट्रा 10,000 भी दिए हैं, आप उनकी कोई कमी मत रखना, यू अंडरस्टैंड? अगर ज्यादा पैसा लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना, ओके? हाँ, 10,000 एक्स्ट्रा? वैसे कितना पैसा दी होगी जो 10,000 रुपए ऐसे ही दे दी? हे भगवान, अब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं डायरेक्ट हार्ट अटैक ही करवा दो, मेरे से ये सब देखा नहीं जा रहा है अब। मैं यहाँ पे एक एक पैसा बचा रही हूँ और ये फॉरेनर मेरे बेटे का पैसा उड़ाए जा रही है, जरूर अपने घर भेजती होगी। हाँ, गरीब होंगे इसके माँ बाप, तभी तो मेरे बेटे को फंसा के उससे शादी करवा दिए हैं बिना दहेज के, ताकि दिनेश को खूब लूट सकें ये लोग। हाँ, गरीब ही होंगे ये। माँ, क्या सोच रहे हो? अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, मुझे आते टाइम थोड़ा लेट हो जाएगा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरा। ठीक है बेटा, अच्छा सुन, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या 10,000 रुपए? घर का सारा खर्चा तो मैं करता हूँ और अभी महीना खत्म होने वाला है, और आपको अचानक से 10,000 रुपए क्यों चाहिए माँ? अच्छा, तेरी फॉरेनर बीवी जब पैसों पे पैसे उड़ा रही है तब तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, अब मैं थोड़ा सा पैसा क्या मांग ली, महीना खत्म होने का बहाना बना रहा है। क्या बात है माँ, कुछ भी बोले जा रहे हो? क्यों क्यों, जब वो फॉरेनर अपने गरीब माँ बाप को पैसे भेजती है तब तो मुंह में ताला लग जाता है तेरा, अब मुझे देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। गरीब और डायना के माँ बाप, माँ उसके डैडी इतने अमीर हैं कि हमारा ये पूरा गांव खरीद ले। छोड़ो माँ, वैसे मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा, अगर इसका बाप इतना अमीर है तो लगता है इसका कोई गरीब बॉयफ्रेंड ही होगा जो इससे पैसे मांगता रहता है। हाँ, सासू मॉम, आज खाने में क्या क्या बनाऊं? जो भी बना रही है उसमें थोड़ा जहर मिला दे। जहर? यू मीन पॉइजन? हाँ, पाए जान, मेरे बेटे के पैसों को बस उड़ाना जानती है। सासू मॉम, मैंने क्या किया? ये सासू मॉम को क्या हो गया है? घर का पैसा ऐसे खर्च होते देख संध्या का नींद चैन सब उड़ गया था। क्या हुआ संध्या, इतने परेशान क्यों हो? मालती ने कुछ नया किया क्या आज? हाँ, बस मेरा मजाक उड़ाते रहो, वैसे वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, वो भी सही, तुम्हारे हिसाब से तो तुम रानी मुखर्जी हो और मालती तो वो कौन है? राखी सावंत।
सो जाओ संध्या, तुम्हारी दिमाग खराब हो गई है। बहुत हो गया मजाक, एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। हमारी बहू डायना का कोई बाय फ्रेंड है जो बहुत गरीब है और ये उसको पैसे भेजती है। क्या हो गया, आप सुन रहे हो या नहीं? हे भगवान, सबके सब फॉरेनर के साइड हैं, मेरा कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। सुबह हो गई और रोज की तरह संध्या डायना पे नजर ताके बैठी हुई थी और तभी, हेलो, मैं आज ही आपसे मिलने आती हूँ, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, टेक केयर, बाय। हैं, टैक का यार, अपने बाय फ्रेंड के साथ कितने प्यार से बात करती है, इससे तो मैं आज रंगे हाथ पकड़कर ही दम लूंगी। हाँ, संध्या डायना को पीछा करने का प्लान सेट कर ली और कुछ ही देर में दिनेश भी ऑफिस के लिए निकल गया। सासु मॉम, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं निकल रही हूँ, मुझे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। कितना इम्पोर्टेंट है मुझे अच्छी तरह से पता है। जैसे ही डायना घर से निकली, संध्या भी डायना को रंगे हाथ पकड़ने की उम्मीद से उसके पीछे पीछे निकल गई। ओ टैक्सी, रुक रुक, अरे रुक जा। कहाँ जाना है मैडम? आगे वाली वो गाड़ी का पीछा करना है, जल्दी चल। पीछा करना है तो ज्यादा पैसा लगेगा मैडम। अब वो फॉरेनर हमारा पैसा अपने बाय फ्रेंड को बांट रही है और ये मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। जा निकल, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पता नहीं सुबह सुबह किस किस से पाला पड़ जाता है। ठीक है, जितना होगा उतना ही देना, आइए। लगता है इसके हालत मेरे से भी ज्यादा बदतर है। संध्या डायना का पीछा करने लगी। हेलो, अभी अभी रेडियो में मैंने सुना आज उस तरफ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मुझे वहाँ पहुँचने में लेट हो जाएगा, क्या आप शॉपिंग मॉल के सामने मिल सकते हैं? ये लीजिए, कुछ पैसे हैं, उन लोगों का ध्यान रखना, ओके? ठीक है मैडम, आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, ये बुढ़ा डायना का बॉयफ्रेंड है, उससे इतने सारे पैसे भी दे रही है, मुझे घर पे रांग रांग बोलती रहती है और खुद ऐसी काम कर रही है। आज मेरे बेटे को सब बताऊंगी मैं। संध्या घर वापस आ गई और शाम को दिनेश के आने का इंतजार करने लगी। उसके कंट्री में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माँ, आप कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो आजकल, कोई अगर किसी के साथ मिले तो वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो जाता। अच्छा मैं चलता हूँ माँ, बहुत टायर्ड हो गया हूँ। हाँ, मेरा बेटा मेरा ही यकीन नहीं करता, उस फॉरेनर ने जादू टोना करके रखा है। ठीक है, मैं भी संध्या रानी हूँ, अगली बार मैं प्रूफ लेके आऊंगी। संध्या प्रूफ लाने के चक्कर में कुछ दिन तक वेट की और फिर से एक दिन डायना को किसी से मिलने की बात करते हुए सुन ली। हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, यू डोंट वरी। हाँ, मैं भी अभी आ रही हूँ। संध्या आज पूरी तैयारी के साथ डायना का पीछा करते करते एक कॉफी शॉप में पहुंच गई। हाँ, ये दूसरा बॉयफ्रेंड भी है इसका, काफी मेरे बेटे के पैसों से काफी पिया जा रहा है। संध्या अपने साथ लाए हुए कैमरे से बहुत सारे फोटो खींची और घर वापस आकर दिनेश का इंतजार करने लगी। उस तरफ ऑफिस में दिनेश को काफी लेट हो चुका था। थैंक गॉड, सारा काम खत्म हो गया, अब मुझे निकलना चाहिए, काफी लेट हो गया है आज।
दिनेश अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था, तभी अचानक से, अरे देखो अकेला है, कार देख के लगता है खूब पैसा होगा इसके पास, क्या कहते हो? कहना क्या है, एक ट्राय मारते हैं, पहले तू जा गाड़ी के आगे सो जाना और वो उतरते ही मैं चाकू निकालूंगा, फिर करते हैं वसूली। हाँ ठीक है, ये प्लान सही रहेगा। दिनेश से पैसे लूटने वो दो चोर आगे बढ़े। रास्ता सुनसान था, काफी अंधेरा भी हो चुका था और एक चोर प्लान के मुताबिक दिनेश के गाड़ी के सामने सो गया और दिनेश गाड़ी रोकते ही दूसरा चोर उससे हेल्प मांगने के बहाने चाकू दिखाकर सूटकेस, गोल्ड चेन, डायमंड रिंग और सारा पैसा भी लूट लिया। बेचारा दिनेश दुखी होकर घर लौटा। बेटा मुझे तो लगता है कुल मिला के हमारा 2-3 लाख चोरी हो गया। छी छी छी, इतना सब कंट्रोल करने के बाद भी मेरे नसीब में ये लिखा था। तुझे पता है ये सब पैसों का कदर ना करने का नतीजा। तेरी फॉरेनर बीबी बेपरवाह होकर पैसे उड़ाती है, अब ले भुगत। ओहो माँ, आप थोड़ा चुप रहेंगे, बात यहाँ पे मेरा गोल्ड चेन या डायमंड रिंग या फिर कुछ पैसों के नहीं है। मुझे तो वो सूटकेस में रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स की चिंता है, उसमें कंपनी के सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। क्लाइंट्स को पता लगेगा तो गजब हो जाएगा, मैं कंपनी से तो निकाला जाऊंगा, ऊपर से फ्रॉड का केस भी लग सकता है। ओह गॉड, मैं अब क्या करूं? दिनेश, आई अंडरस्टैंड, पर अब क्या कर सकते हैं? आप कुछ अल्टरनेटिव सोचिए, हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले? तुम्हें क्या लगता है डायना, मैंने कुछ सोचा नहीं अब तक, पर कुछ फायदा नहीं, मुझे कैसे भी करके वो सूटकेस चाहिए अभी, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। कौन हो तुम लोग और इतने रात को यहाँ पे क्या करने आए हो? नमस्ते मैडम, हम दोनों श्रद्धा अनाथ आश्रम से आए हैं। अनाथ आश्रम? मेरे बेटे का एक फॉरेनर बीवी है, वो उसे लूट रही है, आज चोर भी लूट लिए, अब क्या तुम लोग भी भीख मांगने के चक्कर में लूटने आए हो उसे? नहीं मैडम, हम दिनेश सर से मिलने आए हैं, बहुत अर्जेंट है, उनको बुला दीजिए प्लीज। तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, शुरू शुरू में भोले भाले शकल बना के पैसे ही लूटोगे, जाओ यहाँ से। कौन है माँ, किस पे इतना भड़क रही हो? सर मैं मोहन हूँ, श्रद्धा अनाथ आश्रम से आए हैं हम दोनों। श्रद्धा अनाथ आश्रम? ये फॉरेनर को श्रद्धा अनाथ आश्रम भी पता है, हे भगवान कहीं इसका बॉयफ्रेंड अनाथ तो नहीं। हाँ मैडम। सर ये लीजिए आपका सूटकेस, हमें दुख है कि आपके बाकी चीजों से तुम दोनों वो गुंडे जब आपको चाकू दिखाकर सब लूट रहे थे, तब हम दोनों अगले दिन सुबह बेचने के लिए न्यूज़पेपर खरीदने निकले थे और हमारी नजर आप पे पड़ते ही अनाथ आश्रम के वो दो बच्चे दिनेश को लूटते हुए देखकर अपनी जान पे खेल के गुंडों से वो सूटकेस वापस ले आए, गुंडे भी उन्हें बहुत मारे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा सूटकेस वापस ले आए, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा, आप दोनों मुझे कैसे पहचानते हो? मैंने तो आप में से किसी को कभी भी नहीं देखा। सर कैसी बातें बोल रहे हैं आप, हम लोग अपने माँ को तो नहीं देखे हैं, पर डायना मैडम हमारे लिए हमारी माँ जैसी हैं। उनके डोनेशन से हमारा अनाथ आश्रम चलता है, हमें खाने के लिए और पहनने के लिए मिलता है, आप दोनों हमारे लिए भगवान हो। हाँ सर, एक दिन आप डायना मैडम के साथ डोनेशन देने अनाथ आश्रम आए थे और उसी दिन से हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों को अंदाजा नहीं कि कितना बड़ा काम किए हो आप मेरे लिए। थैंक यू सो मच डायना, तुम्हारा अच्छा कर्म मुझे आज मुसीबत से बचाया। और माँ देखा आपने डायना कहाँ पैसा भेजती है, डायना उन्हें खाना खिलाती है, पहनने के लिए कपड़ा देती है, उनको पढ़ने के लिए भी पैसे देती है, और आप उसके बारे में क्या कुछ नहीं बोलते। हैं, माफ कर दो डायना, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतना महान काम करती होगी, सच में
आज से मैं भी अनाथ आश्रम को पैसे भेजूंगी। हाँ कोई बात नहीं सासू मॉम, मैं तो यही कहूंगी कि हम सबको जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तभी तो हम सब मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। माँ इस भिखारी को कुछ दान दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चलो गीता चलते हैं। बेटी हम दोनों कल से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो हमें। तुम भिखारियों की वजह से ही हमारा देश बदनाम हो रहा है, शर्म नहीं आती शरीफ लोगों को बीच रास्ते पर परेशान करते हुए? बेटी माफ कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, पर ये भूख भी कहां बर्दाश्त होती है। हाँ तो क्या हम तुम्हें खाना खिलाने का ठेका ले रखे हैं? हम पैसा कमाते हैं क्या तुम भिखारियों में बांटने के लिए? इतना घमंड मत करो बेटी, घमंड करना बहुत गलत होता है। एक दिन हमारे पास भी बहुत कुछ था, पर अब देखा बुआ इनकी जुबान कितनी तेज चल रही है, जरूर कुछ गलत किए होंगे अपने लाइफ में। हाँ बेटी इसीलिए तो समझा रहे हैं कि तुम कोई गलत काम ना करो। अब तुम दोनों भिखारी मुझे समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? अरे छोड़ना गीता, चोर होते हैं ये लोग, इनके मुंह मत लग, क्या पता हमारे पीछा करने लग जाएंगे। इनको तो मैं अभी ये है गीता संध्या के भाई की बेटी, पूजा का थाली देख के लगता है ये दोनों किसी बड़े काम के लिए भगवान जी को पटाने आए हैं। देखना गीता इस मंदिर में पूजा करने के बाद तुझे जरूर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, हर कोई आता है यहाँ पे मन्नत मांगने। सच में मेरी नौकरी लग जाएगी ना? अरे तू अब टेंशन फ्री हो जा, नौकरी तो अब यूं लगेगी। लगता है गीता नौकरी पाने के लिए खूब मेहनत कर रही है, पर उसकी नौकरी कहीं नहीं लग रही। चलिए आगे देखते हैं। डायना गीता को नौकरी मिलने तक वो यहाँ पे रहने वाली है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? नॉट एट ऑल, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, गीता इज वेल एजुकेटेड एंड शी इज स्मार्ट टू, उसे तो जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। तुम उसे थोड़ा हेल्प करना प्लीज। ओह श्योर। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे माँ। ओहो ये भिखारी सुबह सुबह अपना आवाज सुना दिया, मेरा पूरा दिन बिगड़ जाएगा अब। बुआ मैं इंटरव्यू के लिए निकल रही हूँ। हाँ भगवान को माथा टेक के जाना, जरूर अच्छा होगा। ठीक है बुआ। रुक मैं तेरे लिए दही लाती हूँ, दही खा के जाने से शुभ होता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे माँ। डिस्कस्टिंग, बुआ इस भिखारी को भगाओ यहाँ से, मैं उसकी शक्ल देख के जाऊंगी तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। तू रुक, अब मैं उसे ऐसे गाली करूंगी कि वो जिंदगी भर हमारे घर के आसपास भी नहीं मंडराएगा। भिखारी। माँ कोई है? इस भूखे बुढ़े को कुछ खाने को दे दो। ए डायना कहाँ जा रही है? मॉम जी एक भूखा ओल्ड मैन खाना मांग रहा है और उसे ये खाना देने जा रही हूँ। अच्छा अब हम भिखारियों को भी खाना खिलाएंगे? मॉम जी इसमें क्या प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा खाना दे देने से हम भिखारी तो नहीं हो जाएंगे ना, और हमारे पास जो बहुत कुछ है उसमें से थोड़ा और किसी को दे के अगर खुश कर सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बाद भी तू उसे खाना देने जाएगी? सासू मॉम जो सही काम है उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, यू अंडरस्टैंड? ओहो डायना भाभी ये बकवास बंद करो और जल्द से जल्द उस भिखारी को घर के सामने से हटाओ, मैं उसका शक्ल देख के इंटरव्यू के लिए जाना नहीं चाहती।
गीता, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सरप्राइज्ड कि तुम एजुकेटेड होकर भी ऐसी बातें करती हो। संध्या और गीता के मना करने के बाद भी डायना उस भूखे बुड्ढे को खाना खिलाई। फिर थोड़ी देर के बाद गीता भी उसके इंटरव्यू के लिए निकल गई। अरे ऐसा क्या हो गया गीता, क्यों मुंह लटकाए बैठी हुई है? नौकरी नहीं मिली तो क्या हो गया? आगे और भी तो इंटरव्यू है, किसी ना किसी में हो जाएगा। और कितना इंटरव्यू दूं मैं बुआ, कोई भी मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहा। इतना क्वालिफिकेशन होने के बाद भी मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने बोला था तुझे कि मैं जिस मंदिर में मन्नत मांगी हूँ वहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ तेरी भी हो जाएगी, फिकर मत कर। डोंट वरी गीता, कीप ट्राइंग, तुम्हें जरूर जॉब मिल जाएगी। गीता को जॉब ना मिलने के कारण वो बहुत दुखी थी। बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद भी उसे निराश होना पड़ता था। ऐसे ही इंटरव्यू देते देते 4 महीने बीत जाते हैं, पर गीता को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। गीता, डायना, अरे कहाँ रह गए तुम लोग? जल्दी करो दोनों, हमें पहाड़ी वाली मंदिर पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। वहां का रोड भी इतना अच्छा नहीं है, आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सासु मॉम, मैं कब से रेडी हूँ, बस कुछ स्नैक्स आइटम पैक कर रही थी। रिटर्न करते टाइम थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा है, गुड गुड। गीता, पता नहीं मन्नत इसे मांगनी है या हमें। सुबह से ना दो के हम तैयार होके बैठे हैं। जी बुआ, मैं ऑलमोस्ट तैयार हूँ, बस 2 मिनट। हाँ, पिछले 2 घंटे से यही बोल रही है, इसीलिए इसको कोई जॉब नहीं देता। क्या काम करेगी, हमेशा मेकअप करती रहेगी। फिर कुछ ही देर में संध्या, डायना और गीता पहाड़ी वाली मंदिर में गीता की नौकरी के लिए मन्नत मांगने निकल गए। गीता, तेरे वजह से हम लेट हो गए, पता नहीं मंदिर अब खुला होगा या नहीं। ओहो बुआ। तभी अचानक से डायना ब्रेक लगा दी। गाड़ी के ठीक सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी और बस रोए जा रही थी। ए डायना, खबरदार जो कार से उतरी तो, ये भिखारी लोग फॉरेनर देखे नहीं कि भीख मांगने पहुंच जाते हैं। भाभी, हमें लेट हो रही है, प्लीज अब इसमें टाइम वेस्ट मत करो। सासु मॉम, ये बच्ची बहुत रो रही है, लेट मी चेक। ये फॉरेनर तो मेरी कभी सुनती ही नहीं। जब डायना गाड़ी से उतरी तो वो छोटी सी बच्ची डायना को रोड साइड ले गई, जहाँ पे उसकी माँ खून से लथपथ गिरी पड़ी थी। आंटी, मैं और माँ काम पे जा रहे थे, एक ट्रक ने मेरे माँ को पीछे से धक्का दे दिया। सुबह से किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, आप मेरे माँ को बचा लो आंटी, प्लीज आंटी। ओहो बेबी, काम डाउन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे माँ को हॉस्पिटल ले जाऊंगी। भाभी, ये सब फालतू काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इसे यहीं पर मरने छोड़ दो। इस गंदी औरत को मैं गाड़ी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। गीता, मंदिर आने के लिए इतना सारा मेकअप करने 3-4 घंटा टाइम है तुम्हारे पास, पर किसी की मदद करने के लिए नहीं है। वाह, और गंदी औरत, माइंड योर लैंग्वेज, वो एक माँ है, उसकी बच्ची रो रही है और तुम इतना हार्टलेस हो। चुप कर डायना, अपना दरिया दिल अपने पास रख, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। सासु मॉम, किस भगवान की पूजा करने जा रहे हैं आप? दिखावा बंद कीजिए और थोड़ा सोचिए, भगवान का इशारा समझिए। क्या पता वो हमारी परीक्षा ले रहे होंगे। इंसान ही भगवान है, अच्छे कर्म में ही भगवान की असली पूजा होती है। और ये फल फूल देके दिखावे का मन्नत मांगना बंद कीजिए। और गीता, दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद भगवान करेंगे, क्या पता तुम्हें नौकरी भी मिल जाए। पर एक जरूरतमंद की मदद करना पुण्य का काम होता है। आई कांट बिलीव कि तुम्हारा नाम गीता होकर भी तुम्हें गीता में लिखी हुई बातें पता नहीं। अब चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डायना की बातें
गीता के कठोर मन को पिघला दिया। फिर गीता डायना के साथ मिलके बच्ची और उसकी माँ को अपने गाड़ी में हॉस्पिटल ले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। मैंने कुछ नहीं किया आंटी, आपको मेरे भाभी हॉस्पिटल लेकर आए हैं, उन्होंने आपकी जान बचाई। बच्ची की माँ ठीक हो जाने पर कुछ ही दिनों में वो दोनों खुशी से अपने घर चले गए और गीता का इंटरव्यू का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। फिर एक शाम को ये गीता कहाँ रह गई पता नहीं, अब तक तो उसे इंटरव्यू खत्म करके आ जाना चाहिए, क्या पता रोड पे ही मेकअप करने लग गई होगी। सासू मॉम, गीता बच्ची नहीं है, वो आ रही होगी। भाभी, बुआ, मुझे जॉब मिल गई। वाओ, कांग्रेचुलेशंस गीता। हे भगवान, चल कल ही मंदिर जाकर 10,000 रुपए चढ़ाएंगे भगवान पे। नहीं बुआ, पहले लोगों की मदद करूंगी, फिर मंदिर जाकर पूजा करूंगी। आखिर में गीता को जॉब मिल ही गई। भगवान हर रूप में हमारी मदद करने आते हैं, उन्हें हमें खोजना नहीं है, बस सही कर्म करते जाना है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक किस्से के साथ। नमस्ते।